गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने जबलपुर आए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भव्य स्वागत हुआ। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा के निवास पर कांग्रेस जनों ने सचिन पायलट से मुलाकात की। निजी कार्यक्रमों में शामिल होने जबलपुर आए कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत किया। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा के निवास पर पहुंचे सचिन पायलट ने कांग्रेस जनों से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर सुर्खियों में आए सचिन पायलट के जबलपुर आगमन से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, लेकिन मीडिया के सामने कांग्रेस के नेता कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। गुड़गांव में आयोजित हुई मिसेज इंडिया लेगेसी 2023 प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की ओर से फाइनलिस्ट में सिलेक्ट होकर सेकंड रनर अप का खिताब जीतने वाली तानी गौतम अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना जलवा बिखेरने की तैयारी में है। तानी को ये खिताब नेशनल कॉस्ट्यूम के लिए मिला है। पिछले दिनों गुड़गांव में आयोजित हुई मिसेज इंडिया लेगेसी 2023 प्रतियोगिता में शहर की तानी गौतम ने न केवल जबलपुर का नाम रोशन किया बल्कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया। तानी को सेकंड रनर अप का खिताब मिला है। उन्होंने पंचमुखी श्री गणेश भगवान का कॉस्ट्यूम धारण कर भरतनाट्यम किया और सबका दिल जीत लिया। गुड़गांव में आयोजित मिसेज इंडिया लेगेसी 2022-23 की फाइनलिस्ट एंड आपके सामने मैं एक विनर हूँ, सेकंड रनर अप। एंड ना ही मुझे सेकंड रनर अप का खिताब मिला है, साथ ही मैंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी हासिल किया है। इस नेशनल कॉस्ट्यूम में मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी खूबसूरत जर्नी रही है। इसमें मुझे टीम से, मेरी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है। ना ही मेरी फैमिली से और टीम से बल्कि जबलपुर शहर ने मुझे बहुत सराहा है। जब मैं वहाँ कम्पीट कर रही थी मुझे बहुत सराहा है और इस वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि मैं जबलपुर शहर की गरिमा को बनाकर रखूँ। मैं सेकेंड रनर अप रही हूँ तो मुझे टीम मिसेज इंडिया लेगेसी की तरफ से मलेशिया का प्रोजेक्ट मिला है। मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल ओआरजी में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। तानी अब मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। इस उपलब्धि को लेकर उनके परिजनों में खुशी की लहर है। गोकलपुर वार्ड के निवासियों को जल प्लावन और कच्चे नाले की समस्याओं से जल्द छुटकारा मिलेगा। नगर निगम मद से यहां 1,15,00,000 रुपयों की लागत से पक्के नाले का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। गोकलपुर वार्ड में सामुदायिक भवन से गोकलपुर तालाब तक करीब 150 मीटर लंबे कच्चे नाले को पक्का करने का कार्य महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ कराया है। करीब 1,15,00,000 रुपयों की लागत से ये निर्माण कार्य पूर्ण होगा। महापौर ने कार्य में गुणवत्ता एवं समय सीमा का ध्यान रखने की हिदायत अधिकारियों को एवं ठेकेदार को दी है। क्योंकि हमारे गोकलपुर वार्ड में ये सामुदायिक भवन से लेके आखिरी तक ये बड़ा लंबा नाला था जो कच्चा था और पूरी बस्ती का पानी इसमें आता था। बारिश के दौरान जल प्लावन की यहाँ स्थिति बनती थी और घरों में लोगों के पानी भरता था। माननीय महापौर जी के सहयोग से जबलपुर नगर निगम के मद से इस नाले का 1,15,00,000 की लागत से बनने वाला ये नाला आज कल से ये कार्य प्रारंभ होगा। जो है 150 मीटर की लंबाई का नाला है और ये लास्ट में तालाब के एंड के जो है वहाँ ख़त्म होगा, जिसमें आने वाले समय में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात बताया जा रहा है कि इस कार्य से गोकलपुर वार्ड के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्षेत्र में जल भराव नहीं होगा। हिंदू सेवा परिषद कार्यकर्ताओं ने रांची थाने पहुंचकर साईं इंस्टीट्यूट की छात्रा के साथ प्रिंसिपल द्वारा की गई अभद्रता के मामले में प्रकरण दर्ज करने की मांग की। छात्रा को
जाति को गाली दे के अनर्गल शब्दों के साथ बोला गया है। सनातन धर्म के भगवानों के लिए उटपटांग और अनर्गल शब्दों का उपयोग किया गया है। लड़की के चरित्र पर उंगली उठाई गई है, लड़की को मारने का प्रयास किया गया है, लड़की को चीरने की धमकी दी गई है, तो ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में समाज सेवी एवं पशुओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही संस्थाओं द्वारा सिविक सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने मूक प्राणियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दी और साथ ही लोगों को शाकाहारी भोजन खाने के लिए भी जागरूक किया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि लोगों को मांसाहार के दुष्प्रभावों से भी अवगत कराया गया। आपको महसूस कराना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, काश कि ऐसा हो, सब तरफ शांति हो गई और हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पशु अधिकार क्या होते हैं और पशु क्रूरता हमें क्यों रोकनी चाहिए। ये 13वां साल है जिस दिन नेशनल एनिमल राइट्स डे मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम के एंड में हम लोगों को प्लांट बेस्ड ट्रीटी की वीगन स्टार्टर किट भी देंगे। तो ये जो स्टार्टर किट है ये काफ़ी यूजफुल है उनके लिए जो कि एक वीगन डाइट के टूवर्ड्स ट्रांजिशन करना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज के समीप एक विवाह समारोह में शराब पीने को लेकर बारातियों एवं घरातियों के बीच जमकर विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। इसमें लगभग आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मेडिकल कॉलेज के पास बर्मन परिवार के यहां चल रहे विवाह समारोह में वर एवं वधू पक्ष के लोगों के बीच विवाद हो गया, नौबत मारपीट तक पहुँच गई और मामला गढ़ा थाने जा पहुँचा। पुलिस के अनुसार मारपीट की इस घटना में लगभग आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि वधू पक्ष के लोगों का कहना है कि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं और शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। सर रामघाट से बरात आई थी जबलपुर, सर दारू पीने के वजह से लड़ाई हुई, सर उनने दूल्हा की फूफा ने मारा और जो उनके पापा रिश्तेदार। कितने लोग घायल हुए? 20 से 25 लोग। बर्मन समाज की शादी चल रही है जिसमें कुछ घराती और बराती आपस में लड़ गए हैं, तो मौके पर आके देखा तो दो चार लोगों को ऐसे सामान्य मामूली चोटें लगी हैं, थाने के इलाज के लिए भेज दिया गया है और शादी शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है। बहरहाल पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। GCF स्टेट विद्यानगर में स्थित एक घर में सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में फैक्ट्री के दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई जिसके बाद मौके पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। विद्यानगर में रहने वाली संध्या ने बताया कि उनका घरेलू गैस सिलेंडर लीक हो रहा था और अचानक उसमें आग लग गई। इस घटना से घर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत ये रही कि दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। सिलेंडर के वो लीक हो लीकेज के कारण लीकेज हो गया, इससे आग लग गई। नुकसान बस वॉशिंग मशीन गया है और पीछे अभी तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लग रहा है थोड़ा बहुत पीछे प्लास्टिक का वो टब शायद जल गया, बाकी किसी को कुछ क्षति नहीं हुई है। नुकसान तो जी काफ़ी हो गया होगा, पर फिर भी उस पर काबू पा लिया गया। सिलेंडर पे आग थी, बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी आग, एकदम हीट थी, पानी मारा गया, कूल डाउन करके पूरी आग बुझाई गई। इस अग्नि दुर्घटना में वॉशिंग मशीन समेत प्लास्टिक का सामान जलने की बात सामने आई है। दमोह से जबलपुर आ रही मां रेवा कृपा बस की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। कटंगी बाईपास के पास हुई इस घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं माड़ोताल थाने के समीप भी एक डंपर चालक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। कटंगी बाईपास के समीप मां रेवा कृपा ट्रेवल्स की दमोह से जबलपुर आ रही बस ने बाइक सवार ग्राम औरिया निवासी अनुज और राकेश वाल्मीकि को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद बस भी नाले में जा घुसी। गनीमत ये रही कि बस में सवार लोगों को चोटें नहीं आई, हालांकि बाइक सवार घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह से जबलपुर आ रही थी और जबलपुर से दो लड़के बाइक से MP 2650 से औरिया जा रहे थे। इसमें एक लड़का राकेश वाल्मीकि है और एक अनुज वाल्मीकि, ये इधर से जा रहे थे उधर से आ रही थी, अब दोनों में टक्कर हुई है और बस के सवारी सभी सुरक्षित हैं और बस में कोई भी इंजोर्ड नहीं हुआ है, बट मोटरसाइकिल वाले जो बच्चे हैं वो इंजोर्ड हुए हैं जिनको संस्कारदानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है।
वहीं माड़ोताल थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक तेज रफ्तार डंपर के चालक ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों का हुजूम लग गया और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डंपर चालक की गलती की वजह से ये हादसा हुआ है। डंपर वाला ठोक के और जस्ट काट के वहाँ पे गाड़ी खड़ी की उनने जो कट है और कट पे गाड़ी छोड़ के और दौड़ लगा दी है। कुछ लोगों भैया ने वहाँ तक उनका पीछा भी किया है मगर वो तेज स्पीड में चला गया है। उसको चोट इतनी ज्यादा आई है, पूरी मांसपेशी उसकी फट चुकी है, हड्डी तक रगड़ चुकी है उसके। डंपर था सर। यही थाने के पास में जागृति हनुमान मंदिर है, वहाँ से एक साइकिल वाला समथिंग 20-22 वर्ष का युवक निकल रहा था तो पीछे से एक हाइवा आया, उसको टक्कर मार दिया जिसके कारण वो गिर गया और उसके पैर में चोट लगी है जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। पुलिस ने डंपर को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गढ़ा एवं विजयनगर पुलिस ने भी तीन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। इसके अलावा दो मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। विजयनगर पुलिस ने शातिर चोर कन्हैया सोनी और राम अनुज उर्फ शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चेरीताल निवासी कन्हैया सोनी एवं बरेला में रहने वाले शुभम ने गोहलपुर क्षेत्र में चोरी की वारदात और कोतवाली में दो वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया था एवं विजयनगर थाने में दर्ज एक अपराध में भी पुलिस को दोनों की तलाश थी। उनको गिरफ्तार कर उनके पास से दो बाइक जब्त की गई है जबकि जेवरात की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह से जबलपुर के बड़े शातिर चोर हैं कन्हैया सोनी और शुभम जायसवाल, जिन्होंने पहले भी वारदातें की हैं और अभी जेल से रिहा होने के बाद फिर इन्होंने गोहलपुर विजयनगर में नकबजनी की वारदातों को अंजाम दिया था। इस प्रकार से 15 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात इन लोगों से बरामद किए गए हैं। गढ़ा में उनका मालिक का चोर ही आरोपी निकला और उससे सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। वहीं गढ़ा थानांतर्गत रहने वाले भजनलाल असरानी की दुकान में काम करने वाले नौकर हिमांशु पटेल के द्वारा चोरी किए गए जेवरात भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फिल्मी किरदार बंटी और बबली की तर्ज पर चोरी और ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले पति पत्नी और उनकी साथी को गोसलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बंटी बबली की गैंग राजस्थान के दौसा ग्राम की रहने वाली है और इनके द्वारा गोसलपुर के एक सोने चांदी के व्यापारी के साथ जेवरात गिरवी रखने के नाम पर ठगी की गई थी। वहीं इन्होंने सिहोरा, खितौला, मझगवां एवं शहडोल में भी ऐसी ही वारदातों को अंजाम दिया था। राजस्थान के ग्राम दौसा में रहने वाली दंपत्ति ने बंटी बबली की तर्ज पर जबलपुर, शहडोल एवं अन्य राज्यों के शहरों में भी ठगी और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया लेकिन गोसलपुर में एक ज्वेलर्स के साथ जेवर गिरवी रखने के नाम पर की गई ठगी के बाद वो जबलपुर पुलिस के हाथे चढ़ गए। SPT के विद्यार्थी ने बताया कि दौसा के निवासी सुभाष नायक और उसकी पत्नी गुड्डी नायक एवं उसकी साली मायावती ने गोसलपुर के ज्वेलर्स अनुराग सोनी के यहाँ सोने की परत चढ़े जेवर गिरवी रखकर 25,000 रुपये ले लिए थे। इसके अलावा सुभाष ने सियोरा, खितौला, मझगवां एवं गांधीग्राम में चोरी की वारदातों को भी अंजाम दिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह राजस्थान के एक पति पत्नी और वो बंटी बबली और उसका एक साथी है ना, तो पति सुभाष, पत्नी गुड्डी और उसकी साली मायावती, इन लोगों ने यहाँ पर दौसा के रहने वाले हैं राजस्थान के, तो इन लोगों ने कुछ ज्वेलर्स के यहाँ गांधीग्राम में अनुराग सोनी है वहाँ पर सोने की परत चढ़े कुछ सामान को गिरवी रख के पैसे लेने का प्रयास किया था। पैसे उसने देने उसको डाउट हुआ कि ये सही है कि नहीं है और उसने पुलिस को इंटीमेट किया, उस पर से वो गैंग पकड़ी गई और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में सुने घरों को भी निशाना बनाया था तो वारदात उन्होंने कबूल की है। इसके अलावा ये गैंग जो है इन लोगों ने पहले शहडोल में व्यवहारी में भी इस तरह की वारदात की है तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी और नकबजनी के मुकदमे कायम थे जिसमें इन लोगों की गिरफ्तारी सुमार की गई है। पुलिस ने उनके कब्जे से नकद रुपए एवं चोरी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। ऑपरेशन शिकंजा के तहत खजरी खिरिया बाईपास के समीप देशी शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी को माड़ोताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 4 पेटी देशी शराब जब्त हुई है। खजरी खिरिया बाईपास में दबिश देकर माड़ोताल पुलिस ने अभिषेक पटेल को गिरफ्तार किया है। मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभिषेक के पास से
खजरीखिरिया, नरसिंहपुर और गोटेगांव में निवास करने संबंधी प्रमाण मिले हैं, जिसकी पतासाजी की जा रही है। वहीं उसके पास से 4 पेटी में 317 पाव देशी शराब मिली है, जिसकी कीमत 20,000 रुपये है। तो इसी दौरान मुखबिर सूचना मिली कि एक अभिषेक पटेल नाम का व्यक्ति है जो खजरीखिरिया बाईपास में काफ़ी मात्रा में देसी शराब लेके खड़ा है। सूचना की तस्दीक की तो वहाँ पे हमें उसके पास 4 पेटी देसी शराब मिली, जिसमें 317 पाव और लगभग 20,000 रुपये कीमती है, जिसको जब्त किया गया है और 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में लमती रोड में घूम रहे 2 शातिर वाहन चोरों को माढ़ोताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की हुई 3 बाइक बरामद की है, जिनकी कीमत 2,00,000 रुपए बताई जा रही है। माढ़ोताल पुलिस ने 2 वाहन चोरों को उस वक्त दबोच लिया जब वो चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में लमती रोड में घूम रहे थे। SPT के विद्यार्थी ने बताया कि चंडाल भाटा क्षेत्र में रहने वाले दुर्गा चौधरी और पवन चौधरी से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ग्रीन सिटी एवं दीनदयाल चौक से बाइक चोरी करने का खुलासा किया और चोरी की बाइक लमती नाले के पास छिपाना स्वीकार किया। तीनों वाहनों की कीमत 2,00,000 रुपए बताई जा रही है। हमारी लगातार वाहन चोरियों को लेके धरपकड़ जारी है और उसमें 2 चोर और पकड़े गए, उनसे 3 मोटरसाइकिलें जो कि विजयनगर और माढ़ोताल में चोरी हुई थी वो रिकवर की गई। शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।